हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो एडमिट कार्ड आया है उसे कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पर और गूगल पर टाइप करेंगे gpsc_ojas.gujarat.gov.in। एंटर करेंगे जैसे ही आप, तो आपको एक इसका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का होम पेज खुलकर आएगा जहां से आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का। सो जस्ट वेट। उसके बाद आपको एक यहां पर कई सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, उसमें कॉल लेटर पहला ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें दो कैटेगरीज हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर एंड मेन कॉल एग्जाम लेटर। इसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखा रहा है जिसमें आपको जॉब सिलेक्ट करनी है, कन्फर्मेशन नंबर जो कि आपने जब फॉर्म भरा होगा वो मिला होगा, और आपको अपनी बर्थ डेट फिल करनी है। तो आपको सिलेक्ट जॉब पर जाकर देखना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। इसमें जो आपको कैटेगरी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट जो वैकेंसी आई थी एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की, जीपीएससी 2019-2032, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड कल्सार डिपार्टमेंट के लिए। तो आप इसको क्लिक करोगे, सिलेक्ट करके इस पर जो आपका कन्फर्मेशन एक्स वाई जेड है वो आप फिल करोगे यहाँ पर, और उसके बाद अपनी बर्थ डेट फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डीडी मतलब आपको फिर मंथ, अगर आपका मंथ मान लीजिए 13th है, सपोज उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है, मान लीजिए 10वां महीना है और हमारा ईयर है 1995, तो आपको ये सिलेक्ट करके फिल करके यहाँ पर प्रिंट कॉल लेटर आप सबमिट करोगे तो आपको ये डाउनलोड के ऑप्शन पे ले जाएगा और आप डाउनलोड करके इसे आप सेव कर लोगे और जो एग्ज़ाम 16 तारीख को होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।